हाय गाइस, तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और नए वीडियो में। कैसे हो? आई होप सब मस्त हो गए, बढ़िया मस्त, और मैं भी बढ़िया, मैं एकदम मस्त हूँ। तो मैं हूँ अभी काशी बनारस, तो आज आपको दर्शन कराता हूँ बाबा काशी विश्वनाथ के। और भी कुछ मंदिर हैं जो कि आपको नहीं पता है, कहते हैं अगर आप काशी आ रहे हैं तो उन मंदिर के दर्शन करने चाहिए। कोई जानिए कौन कौन से मंदिर है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले बोलूँगा जो नया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ हिट बेल आइकन, और अब मेरी वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हाँ कमेंट करके बताओ कैसा लगता है, और हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर डालें। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ से, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये गलियाँ हैं कितनी छोटी छोटी गलियाँ, और बनारस की गलियाँ हैं जो फिर यार फेमस हैं। और ये गलियाँ एक ऐसी हैं जहाँ पे मतलब आप कहीं भी चले जाओगे ना, अगर आपको नहीं पता है, नए हो, तो आपको एक जो गलियाँ हैं आपको सेम लगेंगी, क्योंकि यहाँ की गली पतली हैं और सेम जैसे दिखाई देती है ना, एक ही मतलब जैसे ऐसा लगा कि हम दूसरी गली में, आपको लगेगा कि हम सही जा रहे हैं पर ये दूसरी गली में हो जाता है। तो ऐसे एक ही कलर की गलियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी ये देखो गलियों के नज़ारे, और अभी हम इस वक्त ले चल रहे हैं आपको काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ बाबा को दर्शन करवाते हैं और जो भी जानकारी हासिल करते हैं। तो गाइस, आप सभी की आई होप होली अच्छी रही होगी और बिंदास रही होगी। तो दोस्तों, मैं अभी बनारस में हूँ, जैसे घूम रहा हूँ। कहते हैं भगवान शिव ने बसाया है ये नगरी, और भगवान की काफ़ी प्यारी जगह थी। तो अगर आपने बनारस का पान नहीं खाया तो ज़रूर खाएं, और यह यहाँ की गलियाँ ज़रूर घूमें, क्योंकि काफ़ी आनंद आता है और काफ़ी अच्छा लगता है भाई भगवान शिव की नगरी में घूमने में, एक अलग ही मज़ा आता है। तो भाई कल रात को मैं यहाँ पे आ गया था, एक भाई साहब के यहाँ रुका हूँ, तो भाई यहाँ कम से कम 7-8 बार भटका हूँ, जब लोकल लोगों से मदद ली तब जाके मैं फाइनली पहुंचा हूं। तो ये देखो काशी बनारस, ये मेन मार्केट है काशी बनारस की, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड पाया जाता है। यहाँ पे फॉरेनर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। बाकी ये देखो, हम इस गली में जाएंगे तो एक तो हैंडलूम याद रख लेते हैं, और ये देखो यहाँ पे अभी गर्मी पड़ रही है, अभी तो भाई कुछ भी भीड़ नहीं है। मंदिर की जैसे इधर से जाएंगे राइट साइड मंदिर की ओर, और देखो नंदी बाबा उधर बैठे हैं, तो राइट साइड जाएंगे उधर भीड़ देखने को मिलती है ज़्यादा। तो ये चौराहा है, गदौलिया चौराहा के नाम से जाना जाता है। और तो भैया ये कुछ मार्केट खुली हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और मार्केट खुली ये चौराहा है यहाँ पे। देखो कैसे कपड़ा लोगों ने टाल आफ्टर होली के बाद का, देखो कपड़े कैसे टंगे हुए हैं यहाँ का नज़ारा देखो। और यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम आता है तो ऐसे लगता है हम न्यूयॉर्क टाइम सिटी में आ गए हैं। तो ये देखो भीड़, हम मंदिर जा रहे हैं इस रास्ते से जा रहे हैं, ये सामने वाला रास्ता जाता है मंदिर के लिए, देखो यहाँ पे भीड़ कैसे है। तो कुछ मार्केट खुले कुछ बंद है, तब ये हाल है। जब पूरी मार्केट हो जाती है भाई साहब यहाँ पे पैर रखना भी मतलब आपको समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। और ये काशी बनारस की गलियाँ ज़रूर घूमे हैं अगर आप यहाँ पे आ रहे तो। अगर गर्मी में आपको प्यास लगती है ना, तो आपको सबसे फ्री में पानी बता देता हूँ कहाँ पे मिल जाता है। ये आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको पानी मिल जाता है पीने के लिए, वो फ्री में। तो बोतल में भर लेना ज़रूर, क्योंकि हर जगह 20 रुपये की बोतल नहीं खरीदोगे आप, ना ही कोई खरीद सकता हर जगह। अच्छा, हमको सिखा रहा है। ये देखो ये मस्जिद है, इस पर बवाल चल रहा है जो कि निर्णय आने वाला है, और जांच चल रही है। और भाई लाइन इतनी भयानक लाइन लगी कि क्या बताऊं, लाइन में लोग लड़ रहे हैं अपने नंबर के लिए, तो मुश्किल है यहाँ पे, और काफ़ी दूर तक का है, तो 2-3 किलोमीटर तक का लाइन लगी है। बोलो एक बार प्यार से हर हर महादेव। और ये है आपका गेट, एक VIP गेट, यहाँ से आपको VIP एंट्री मिल जाती है, जो कि 300 रुपये की पर्ची बनती है, और इधर से नॉर्मल जाते हैं, तो ये आपका नॉर्मल वाला है जो कि लाइन लगाना पड़ता है। और यह है मेन गेट, यहाँ से देखो हाँ मैं काशी में विश्वनाथ बाबा के दरबार में, और ये मार्केट एरिया है, देखो नज़ारा। मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है, तो यहीं से आप दर्शन करो, हर हर महादेव बोलो, एक प्यारा कमेंट जरूर आना चाहिए आपके आप सभी की तरफ से। कड़ी धूप में देख लो ये भक्त कैसे लाइन पे लगे हुए हैं, और देखो पीछे तक का लाइन लगी हुई है, तो देख सकते हो यहाँ का नज़ारा काशी विश्वनाथ बाबा का। सच में बाबा के भक्तों ने कमाल कर दिया दो कलयुग में भी। और मैं अभी आपको ले चल रहा हूँ अन्नपूर्णा माता मंदिर, अन्नपूर्णा जहाँ पे भोजन चलता है, वो भी फ्री में। चलो आ जाओ, इस गली से आओगे तो आपको यहाँ पे ना खाने के लिए
फ्री में भोजन मिल जाता है, तो आप यहाँ पे खा सकते हो। और इसकी टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर के 5 बजे तक शाम के। ये है जगह काशी अन्नपूर्णा, यहाँ पे खाना मिलता है फ्री में। वीडियो अलाउ नहीं है इसलिए आपको यहीं से आपको दिखा देता हूँ। यहीं पे आपको सुबह से लेकर के शाम तक का खाना मिल जाता फ्री में। आए खाना खाने, देखो कैसे लोग खा रहे हैं। क्या आप सभी को पता है काशी भगवान शिव की बसाई हुई दुनिया, ये भगवान शिव के त्रिशूल की नोक में बसी हुई दुनिया है जिसको भगवान विष्णु ने बसाया। क्या आप सभी को पता है? अगर पता है तो कमेंट करके बताओ, नहीं पता तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें और सभी सनातनी भाइयों को शेयर करें। यहाँ के घर देखने पुराने, सारे ही पुराने घर हैं। और यहाँ पे पेंटिंग वगैरह देखो कैसी बनी है हर एक दीवार में, तो ये अच्छा लग रहा। ये देखो पूरी काशी बना दिया इन्होंने। तो भैया ये देखो बनारस की मार्केट रोड में हम घूम रहे हैं। शाम को 4 बजे और यहाँ पे हलचल आप देख सकते हो कैसा है। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए छोटी बच्ची कितनी छोटी भाई, ओ माय गॉड। काशी में भी लंका है क्या? ये देखो ये भाई स्कूल है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और ये सामने लंका चौराहा है। हाँ भाई काशी में भी लंका है। और तो गाइस शाम हो गई है और शाम को बजने वाले 5, मैं अभी ऐसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे भगवान भोलेनाथ ने खुद यहाँ पे त्रिशूल गाड़ा था। इतिहास क्या है चलो बता देते हैं। आप देख रहे हैं गंगा नदी है, और ये गंगा नदी आपका शहर से बहुत दूर है, और जो आप बनारस काशी में देखते हैं वो शहर से निकली हुई है। तो इसका इतिहास ये है कि जब भगवान भोलेनाथ को काशी नगरी पसंद आई थी तो अब उन्होंने फिर गंगा माता को धरती पे लाए थे। तो गंगा माता का प्रभाव बहुत तेज था, तो भगवान भोलेनाथ को काशी की चिंता सताने लगी। जब चिंता हुई तो फिर भगवान भोलेनाथ ने इसी जगह पे कहते हैं कि त्रिशूल गाड़ा था और गंगा का वेग जो था उसको कम किया था, और तब से इस जगह का नाम शूलकंठेश्वर महादेव के नाम से पड़ गया। आप देख सकते हैं ये गंगा माता है, और ऊपर जब चढ़ोगे तो यहाँ पे आपको भोलेनाथ का मंदिर देखने को मिल जाता है। तो ये था इतिहास, कैसा लगा कमेंट करके बताएं और एक प्यारा कमेंट करें हर हर महादेव दोस्तों। तो ये देख सकते हो, और शाम का टाइम है तो सनसेट होने वाला है, तो अभी हुआ नहीं है, जो कि आप देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा मनमोहक व्यूज़। कंठेश्वर का अर्थ एक और है जो कि आपको बता दूं, जब हम ड्रोन कैमरे से गंगा माता को देखते हैं तो यह चंद्रमा के आकार का देखती है, तो इसको एक शूलकंठेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, नाव का भी आप सफ़र एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो जैसे कि लोग आए हुए हैं एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग नहाते हैं फिर महादेव जी के दर्शन भी करते हैं। तो हम भी वैसे ही आए हैं, तो हम नहाने तो नहीं आए, बाकी हम यहाँ पे माता के दर्शन करने आए। इसके बाद हम भोलेनाथ जी के भी आपको दर्शन कराएंगे। भैया ये वो मंदिर है जहाँ पे भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल गाड़ा था, और इस मंदिर का नाम आपने देख ही लिया होगा। तो अच्छा चलते हैं मंदिर पे दर्शन करते हैं। तो भाई यहाँ से एंट्री आपकी शुरू होती है, जूता चप्पल यहीं उतार दिया, और ये है हर हर महादेव, जय शिव शंभु। और ये वो मंदिर है, यहीं से दर्शन कीजिए हर हर महादेव। ये अभी जहाँ पे हम चल रहे हैं ये BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एशिया का कहते हैं सब 8वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और शाम का टाइम है तो चहल पहल होने लगी है और आपको दिखने लगे हैं, तो भीड़ देख रहे हो। ये काशी विश्वनाथ मंदिर की है, और ये BHU का है, तो ये छात्रों के लिए यहाँ पे इन्होंने खुद बनाया है। चलो तो हर हर महादेव। अब आपको दिखाने वाले हैं काशी की नाइट लाइफ कैसी होती है, तो ये देख सकते हैं, और ये चौराहा है लंका चौराहा। जी हाँ, काशी में भी लंका होती है, और देख सकते हैं काफ़ी प्यारा व्यूज़ आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आप कब आ रहे हैं काशी कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। हर हर महादेव दोस्तों, बाकी आप इन्जॉय कीजिए वीडियो कैसे लग रही। आप सभी को यहाँ पे लफजू लफजू करने के लिए मिल जाता है, तो ये आपका पारक है जो कि आप पढ़ लो, यहाँ पे आप कर सकते हो। और ये आपका जो नंबर 1 में आता है संत रविदास
स्मारक पार्क के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मोमोज भी खा लेना भैया, चटनी जरूर पी लेना। शाबाश बेटा। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो, और कमेंट रुकना नहीं चाहिए, एक प्यारा कमेंट करो हर हर महादेव। और यह वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, फैमिली में भी शेयर करो, हर जगह शेयर करो यार, प्लीज शेयर करो और कमेंट में हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, मुझे नहीं पता दब जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो पे, अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।